फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, पॉलिटिकल चैप्टर 6, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल का 6th चैप्टर है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, यानी कि अपराधियों को दंड देने का न्याय का जो सिस्टम है वो क्या है, उसके बारे में हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए बेटा, इसके अंदर एक इंसिडेंट दिया गया है। जैसा एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर दिखाया गया, ये मिस्टर नाथ हैं और ये बहुत ही अमीरिक फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये 72 ईयर्स ओल्ड हैं और इनका एक नौकर काम करता है, उसका नाम रामू है। तो एक बार क्या होता है, ये जो मिस्टर नाथ हैं ये अपनी सिस्टर के घर से होकर जब वापस अपने घर आते तो क्या देखते हैं कि इनके घर के अंदर सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और जो इनकी जो बिलोंगिंग्स थी, जो इंपॉर्टेंट जो इनकी चीज़ें थी, कैश था, वो सब कुछ वहाँ से मिसिंग था, गायब था। तो वो बिल्कुल भी वो रामू रामू आवाज़ लगाते हैं अपने नौकर को, लेकिन जो नौकर होता है वो वहाँ पर नहीं होता है। तो जो मिस्टर नाथ होते हैं वो अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं और वो फटाफट रामू की एक पिक्चर लेकर पुलिस के पास जाते हैं और अपनी सारी रिपोर्ट लिखवाते हैं और वो FIR लॉन्च कराते हैं। तो जो पुलिस होती है वो रामू के एड्रेस पर जाती है और वहाँ उसके आसपास नियर अबाउट जो लोग होते हैं उनसे पूछताछ करती है। तो सभी लोग कहते हैं कि रामू यहीं रहता है, रामू अपनी माँ के साथ रहता है। तो जो पुलिस होती है रामू के घर जाकर रामू को अरेस्ट कर लेती है और उसे जेल में डाल देती है। लेकिन जो रामू की माँ होती है वो क्या कहती है कि आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। तो इस पर पुलिस कहती है कि आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ पर बेल के ऑर्डर लेकर आने पड़ेंगे। तो जो कोर्ट होता है वो रामू की बेल के लिए 1 मंथ का टाइम देता है, 1 मंथ बाद का टाइम देता है, लेकिन उनके पास उसको पे करने के लिए 20,000 रुपये का खर्चा आ रहा था जो उनके पास नहीं थे। तो वो अपनी माँ से कहता है कि आपको किसी भी प्रकार के कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर 20 डेज, 20 दिन के बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं वो उसकी रिटर्न रिपोर्ट लिखते हैं और जो जो उन्हें सबूत मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसे चार्ज शीट कहा जाता है। और जो चार्ज शीट की कॉपी होती है वो रामू को दे दी जाती है। और जो रामू होता है उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने लिए एक लॉयर खरीद सके और उसका जो केस होता है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो 2 मंथ्स के बाद उसके ऊपर फिर से ट्रायल बिगिंस आफ्टर 2 मंथ्स। और जो मिस्टर नाथ होता है, जिसने रामू के अगेंस्ट अपनी रिपोर्ट लिखवाई थी, तो वो क्या बताता है कि जो वहाँ पर उसके पास जो भी कीमती चीज़ें थी, पैसा था, वो सब कुछ खो गया है और वो कोने कोने से हर चीज़ निकाली गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो चोर है वो उनकी फैमिली से ही बिलोंग करता है, उसको ये सब कुछ पता है कि क्या चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। तो जो रामू होता है उससे सारी चीज़ों की पूछताछ की जाती है और लास्ट में जो रामू होता है वो क्या है, टूट जाता है और वो अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। और इस प्रकार से रामू को क्या है, जेल में 5 साल की जेल की सजा हो जाती है। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि अगर हमारे साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हमें किस किस प्रकार से क्या क्या हमें कार्य करने हैं, कौन कौन से हमें प्रोसेस आगे अपनाने हैं। तो अब इसके अंदर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, इसमें नेक्स्ट है रोल ऑफ पुलिस इन कंट्रोलिंग क्राइम्स, कि जो पुलिस होती है उसका क्राइम्स को कंट्रोल करने में क्या रोल होता है। पुलिस हैज़ ड्यूअल रोल, ड्यूअल होता है दो, उसके जो डबल रोल होते हैं पुलिस के, वह प्रिवेंटिंग एज वेल एज इन्वेस्टिगेट। वो क्या है, इसको क्राइम को रोकने में और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने में, दोनों में ही वो अपना रोल प्ले करती है। पुलिस पेट्रोल वैन्स कैन बी सीन थ्रू आउट द डे एंड इवनिंग इवन एट नाइट। और जो पुलिस की वैन होती है वो क्या है, पूरे दिन और पूरी रात राउंड पर रहती है और वो देखती है कि कहीं कुछ क्राइम तो नहीं हो रहा है, और बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन और इस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो उन्हें फाइंडिंग्स मिलती हैं, जो उन्हें सबूत मिलते हैं, पुलिस डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन। और पुलिस डिसाइड करती है कि आगे इस कार्य को पर किस प्रकार से हमें एक्शन लेना है। और क्राइम जैसे मर्डर, किसी का मर्डर हो गया है, किसी घर चोरी हो गई है, थेफ्ट, रॉबरी और किडनैपिंग है, किसी को किडनैप कर लिया गया है, तो उसे कॉग्निसेबल ऑफेंसेस कहा जाता है। जो पुलिस होती है वो इसके बारे में आगे इन्वेस्टिगेशन करती है और अपना इम्पोर्टेंट कदम, जो भी इम्पोर्टेंट कार्य होता है वो करती है। इसके अपोजिट नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंसेस होते हैं, जैसे
पुलिस नॉनसेंस, असल्ट, मिसचीफ, इस प्रकार के जो छोटे मोटे जो अपराध होते हैं वो इसमें आते हैं। और इसके लिए क्या है, जो पुलिस होती है उसे एक वारंट जो कोर्ट की साइड से आता है वो उन्हें अरेस्ट करने के लिए उनके पास एक वारंट होना जरूरी होता है। तो आगे देखिए, इज़ द पुलिस ऑल पावरफुल, क्या पुलिस के पास सारी शक्तियाँ होती हैं? नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है डजंट गिव द पुलिस द पावर टू डिसाइड वेदर अ पर्सन इज़ गिल्टी और नॉट। नहीं, जो संविधान है उसने पुलिस को यह पावर नहीं दी है कि वो ये डिसाइड करे कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया है। इट इज़ अ कोर्ट दैट डिसाइड्स, यह कोर्ट का कार्य होता है कि वह ये देखेगा कि इस पर्सन ने अपराध किया है या नहीं किया है। दिस प्रोसीडर इज नोन एज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहा जाता है। अब जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो लॉ के अकॉर्डिंग ही होती हैं, कानून के अकॉर्डिंग होती हैं एंड विदाउट एनी ह्यूमन वायलेंस, जो इसके अंदर किसी भी प्रकार का मानव का हिंसात्मक रोल नहीं होता है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी करता है और पुलिस को वो सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। जैसे एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट के टाइम पर डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन, दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ टॉर्चर, यानी कि जब पुलिस किसी भी अपराधी को अरेस्ट करती है तो वो उसे किसी भी प्रकार से पुलिस उसे टॉर्चर नहीं कर सकती है, मतलब उस पर दबाव नहीं डाल सकती है। उससे कोई अगर उससे कोई सीरियस ऑफेंस हो गया है, सीरियस उससे कोई अपराध हो गया तो उससे रिलेटेड क्या है, पुलिस सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करेगी, उस पर कोई दबाव नहीं डालेगी। आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू अ पर्सन, हर इंसान को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। हु इज अरेस्टेड बाय द पुलिस दीज राइट्स, अब देखिए क्या क्या राइट है। द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ऑफेंस फॉर विच अ पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड, सबसे फर्स्ट राइट क्या है कि जहाँ पर अपराध हुआ है उस अपराधी से रिलेटेड क्या है और इसमें पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाई जाए। द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर ऑफ वंस ऑन चॉइस, अब उसको लोगों के ये अधिकार है कि वो अपनी खुद की चॉइस से कोई भी लॉयर को चूज कर सकता है। राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्टेड, अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड, मतलब पुलिस उन्हें क्या है, इल ट्रीट नहीं कर सकती है, टॉर्चर नहीं कर सकती हैं अरेस्ट करते समय। कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज एट एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज, और जब वो पुलिस की कस्टडी में है तो उससे क्या है, किसी भी प्रकार से जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज एंड व्यूमेन, और अगर 15 साल से कम एज का बच्चा है या लेडीज है, औरत है, कैन नॉट बी कॉल्ड अनकम्पनीड टू पुलिस स्टेशन फॉर क्वेश्चनिंग, तो उसे क्या है, बार बार पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा क्वेश्चनिंग करने के लिए। इन व्यू ऑफ वॉयलेंस एंड टॉर्चर प्रीपेट्रिएट एंड पीपल वाइल इन पुलिस कस्टडी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेड डाउन सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, अब इसके लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन निर्देशित की हैं, जारी की हैं, जो सभी को फॉलो करनी होती हैं, और इन गाइडलाइंस को डीके बसु गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए पुलिस के लिए क्या क्या गाइडलाइंस निर्धारित की गई हैं। पुलिस पर्सोनल हु अरेस्ट और इंटेरोगेट अ सस्पेक्ट मस्ट वियर क्लियर एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद देयर डेजिग्नेशन, जो भी पुलिस किसी भी अपराधी को अरेस्ट कर रही है उसकी विजिबल आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और उस जो जिस पोस्ट पर वो कार्य कर रहा है उस पोस्ट के बारे में भी पुलिस को सारी नॉलेज होनी चाहिए। मेमो कंटेनिंग डेट एंड टाइम ऑफ द अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड वाइल टेकिंग अ सस्पेक्ट इन टू कस्टडी, और जिस भी डेट और जिस भी समय उसे अरेस्ट किया जा रहा है वो उसे क्या है, सब कुछ उसका रिटन वर्क में होना चाहिए। इन केस द मेमो इज साइन बाय समवन अदर देन अ फैमिली मेंबर देन द अरेस्टेड और डिटेन्ड पर्सन हैज़ द राइट टू इन्फॉर्म हर रिलेटिव्स, और जिस भी अपराधी को अरेस्ट किया जा रहा है तो ये पुलिस का कर्तव्य है कि वो इसके रिलेटिव्स को या उसके फ्रेंड्स को इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे, सारी सूचनाएं दे। इफ़ फ्रेंड्स और फैमिली ऑफ द अरेस्टेड पर्सन लिव आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, और अगर वो जिले से बाहर रहता है, देन पुलिस शुड इन्फॉर्म दैम अबाउट द टाइम
एंड प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड प्लेस ऑफ डिटेंशन। तो ये पुलिस का कर्तव्य है, पुलिस का कार्य है कि जिस समय जिस जगह से वो उसे अरेस्ट कर रहा है, जिस समय वो अरेस्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें विद इन 8 to 12 hours ऑफ अरेस्ट, मतलब अरेस्ट करने के बाद 8 से 12 घंटे के अंदर उसे उसके जो पर्सनल उसके जो रिलेटिव हैं उनके पास उसे सूचना पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी गाइडलाइंस पुलिस के लिए निर्देशित की गई हैं। आगे देखिए बेटा, आगे आता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR जिसे बोला जाता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एज द नेम सजेस्ट इज फर्स्ट रिटर्न रिपोर्ट। जैसे देखो इस नाम से ही पता लग रहा है, सबसे पहले जो अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसके लिए रिटर्न रिपोर्ट लिखवाना ही FIR कहलाता है। इट इज़ रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर, यह पुलिस ऑफिसर जो उस समय ड्यूटी पर है ये उसके द्वारा लिखा जाता है। ऑफेंस इमिडिएटली आफ्टर इट्स अकरेंस और डिस्कवरी, FIR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो FIR बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओनली आफ्टर रजिस्टर्ड इट द पुलिस कैन बिगिन, अगर इसे रजिस्टर में रजिस्टर करवा दिया गया, इसे लिखवा दिया गया, तो उसके बाद क्या पुलिस अपनी खोजबीन छानबीन स्टार्ट कर सकती है। एंड FIR शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देखिए FIR लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं, डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ ऑफेंस, जिस जगह अपराध हुआ है उस जगह का समय, उसका समय स्थान और डेट, डिटेल रिकॉर्ड ऑफ इंसिडेंट, जो भी इंसिडेंट हुआ है उसकी डिटेल रिकॉर्ड, नेम एंड आइडेंटिटी ऑफ एक्यूज एंड विटनेस, और जिसने भी उसे उस अपराध को होते हुए देखा है उसका नाम और उसकी पहचान, नेम एंड एड्रेस ऑफ द इन्फॉर्मर, और जिसने भी उस अपराध की बारे में इंफॉर्मेशन दी है उसका नेम और उसका एड्रेस भी वहाँ पर होना चाहिए। तो ये होता है बेटा FIR। आगे अब देखिए वेयर टू फाइल एन FIR। अब जो FIR है उसे कहाँ फाइल करना होता है, कहाँ दर्ज कराना होता है। एन FIR इज जनरली लॉग्ड एट अ पुलिस स्टेशन, इसे क्या पुलिस स्टेशन में लॉज कराना होता है, अंडर हुज ज्यूरिडिक्शन द क्राइम हैज़ अकर्ड, और जिसके जहाँ पर क्राइम हुआ है उसके नियर अबाउट जो भी पुलिस स्टेशन आता है वहाँ पर FIR लॉज करानी होती है। इट कैन बी गिवन आइदर ओरली और रिटर्न, ये ओरली भी हो सकती है और रिटर्न वे में भी हो सकती है। एज पर द लॉ, कानून के अकॉर्डिंग वन कैन फाइल एन FIR एट एनी पुलिस स्टेशन, अगर किसी ने भी किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर FIR लिखवा दी है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस, तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन जाती है, पुलिस की बन जाती है, टू फॉरवर्ड द FIR टू अप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन। तो ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो FIR है उसे सही उचित पुलिस स्टेशन तक वो उसे रेफर करना होता है, उसे पहुँचाना होता है। कंप्लेंट हैज़ टू वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन एंड देन साइन द FIR। अब जो कंप्लेंट लिखवाई गई है इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, अब उसके ऊपर क्या है, साइन करवाए जाते हैं। द पुलिस मस्ट प्रोवाइडेड अ कॉपी ऑफ FIR टू कंप्लेनेंट विदाउट चार्जिंग एनी फीस। अब पुलिस ने जो FIR लिखी है, अब वो उसकी एक कॉपी जो कंप्लेन लिखवाने आया है उसको उसे एक कॉपी दी जाएगी और उसे किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। ये होता है कि किस प्रकार से FIR दर्ज कराई जाती है। आगे आता है रोल ऑफ पुलिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का देखिए क्या रोल है। अकॉर्डिंग टू अवर जुडिशियल सिस्टम एनी क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी। हमारे जुडिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी अपराध जिस भी सोसाइटी में हुआ है, सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, तो यह उस राज्य की उस जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू इंश्योर दैट द क्रिमिनल इज प्रोसिक्यूटेड, तो यह देखना कि जो क्रिमिनल है जो अपराधी है वह प्रोसिक्यूटेड है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर चूजन बाय द स्टेट, अब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो स्टेट के द्वारा चूज किया जाता है, रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, और उसको इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिस्पेंसिंग जस्टिस। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो न्याय देने के अंदर उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ही शी क्रॉस एग्जामिन्स ऑल विटनेसेस, उसने जितने भी वहाँ पे विटनेस होता है जो जिसने अपनी आँखों से उसको कार्य उस क्राइम को होते हुए देखा है, एविडेंसेस जितने भी तथ्य हैं, एंड क्वेश्चंस द एलिग्ड क्रिमिनल टू इनेबल द कोर्ट टू डिसाइड अबाउट द केस। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कोर्ट को केस के बारे में जानने में उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। आगे आता है बेटा रोल ऑफ डिफेंस लॉयर। अब जो डिफेंस लॉयर होता है उसका क्या रोल होता है। द डिफेंस लॉयर थू हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग अ फेयर ट्रायल। द डिफेंस लॉयर्स इंपॉर्टेंस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फैक्ट दैट एज पर आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग जो डिफेंस लॉयर है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है फेयर ट्रायल करने में, यानी कि पक्षपातपूर्ण न्याय करने में। लॉयर होता है वकील। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। जितने भी लोग हैं उनका एक अधिकार है कि वो अपने तरीके से लॉयर को, वकील को चूज कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट इफ़ द एक्सक्यूज्ड इज़ पुअर एंड कैन नॉट एफर्ड द एक्सपेंसिस टू अपॉइंट अ लॉयर देन द कोर्ट मस्ट असाइन वन। और अगर और इसके अलावा इसमें क्या होता है कि अगर कोई इंसान जिसके पास लॉयर को देने के लिए पैसे नहीं है तो जो कोर्ट है वो उस क्या है उसके लिए एक लॉयर करवा कर देगा। आर्टिकल 39A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असर्ट दैट इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ स्टेट टू असाइन अ लॉयर टू, ये 39 आर्टिकल 39A में बताया गया है कि जो ये उस स्टेट की उस राज्य की ड्यूटी बन जाती है कि अगर उसके पास लॉयर लेने के लिए, लॉयर खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो सरकार उसे लॉयर करके देती है। डिफेंस लॉयर इंश्योर्स दैट द अक्यूज्ड गेट्स अ फेयर ट्रायल फॉर दिस ही शी थ्रूली क्रॉस एग्जामिन्स ऑल द विटनेसेस एंड फैक्ट्स प्रेजेंटेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा जो भी विटनेसेस, जो भी उसने सबूत इकट्ठे किए हैं वो सारी कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं। आगे आते हैं रोल ऑफ जज। अब देखिए जज का क्या रोल होता है। जजेस प्ले द मोस्ट क्रूशियल रोल इन द होल जस्टिस सिस्टम। जितना भी जस्टिस न्याय तंत्र सिस्टम है उसके अंदर जज का बहुत ही अहम रोल होता है। दे नीड टू बी अनबाय। जो जज होता है वो कैसा होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए। आफ्टर कंडक्टिंग अ डिटेल स्टडी ऑफ केस, जब तक वो सारे केस की डिटेल स्टडी ना कर ले, एंड माइनटली एग्जामिनिंग ऑल एविडेंसेज द जजेस डिसाइड वेदर द एक्सक्यूज इज कल्पेबल और इनोसेंट। जब तक जज सारी चीज़ों को देख नहीं लेता अच्छी तरह बारीकी से, तब तक वो नहीं बता सकता है कि उस अपराधी ने अपराध किया है या नहीं किया है। इफ़ द पर्सन इज़ फाउंड टू बी गिल्टी, अगर अपराधी ने गिल्ट किया है, मतलब उसने गलती की है, देन डिपेंडिंग ऑन द सेविलिटी ऑफ द क्राइम द जज प्रोनाउंसेस सेंटेंस विच कुड बी ए फाइन और अ प्रिजन टर्म और बोथ। तो जितना उसका अपराध है, जितना बड़ा उसका क्राइम है, उसके अकॉर्डिंग जो जज है वो उसे सजा देता है। सेंटेंस होता है सजा देना, विच कुड बी ए फाइन और अ, वो क्या है उसके ऊपर फाइन भी लगा सकता है जज, उसे जेल में भी डाल सकता है, या दोनों सजा भी उसे दी जा सकती हैं। आगे देखिए व्हाट इज फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल क्या होता है। फेयर ट्रायल इज़ वन दैट फॉलोज द रूल ऑफ लॉ। फेयर ट्रायल होता है कि जिसके अंदर कानून के रूल्स को फॉलो किया जाता है। एवरीवन इन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर कास्ट क्लास जेंडर और रिलीजन गेट्स एन इक्वल चांस टू डिफेंड हिमसेल्फ हरसेल्फ। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स राइट टू लाइफ। 21 आर्टिकल के अंदर संविधान ने सभी को यह अधिकार दिया है, राइट टू लाइफ, कि सभी को जीने का अधिकार है। एवरी इंडियन सिटीजन विच मीन्स दैट अ पर्सन्स लाइफ और फ्रीडम कैन नॉट बी वायोलेटेड, कि किसी भी इंसान से उसकी आज़ादी और या उसकी ज़िंदगी नहीं छीनी जा सकती। देयर फॉर अ बैलेंस्ड एंड फेयर लीगल प्रोसेस इज नेसेसरी। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी होता है। आगे बेटा फॉलोइंग कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल फॉर अ फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल के लिए पक्षपात रहित जो कंडीशंस, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं। एक्सक्यूज शुड बी गिवन अ कॉपी और FIR चार्जशीट एंड ऑल एविडेंसेस बेस्ड ऑन विच द चार्जेस आर बीइंग फ्रेम। जिसने भी अपराध किया है उसे क्या है, FIR की कॉपी, चार्जशीट की कॉपी और जितने भी एविडेंसेस या सबूत हैं उन सभी को इकट्ठा करके कोर्ट के सामने लाया जाएगा। फैमिली एंड फ्रेंड्स कैन बी प्रेजेंट एट द ट्रायल दैट इज हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट। उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं वो क्या है, उससे रिलेटेड कोई भी अगर बात कहना चाहते हो कोर्ट में जाकर बोल सकते हैं, ओपनली बोल सकते हैं। ट्रायल इज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सक्यूज्ड। और जो ट्रायल जो लिया जा रहा है वो क्या है, उसकी एक्सक्यूज यानी कि अपराधी के सामने ही होना चाहिए। एक्सक्यूज इज डिफेंडेड बाय अ लॉयर इफ़ नेसेसरी शुड बी प्रोवाइडेड बाय, अगर वो लॉयर करने में असमर्थ है तो ये सरकार का कर्तव्य है कि वो उसे लॉयर करवा कर दे। डिफेंस इज गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन ऑल विटनेसेस प्रेजेंटेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और जो अपराध किया गया है उससे रिलेटेड अगर कोई भी उसके अंदर
पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा अगर कोई भी जो सबूत उसके सामने लाया जा रहा है और उससे अगर कोई ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है जिससे उसका अपराध कम हो रहा है तो वो किया जाएगा। केस इज एडजर्ज्ड इम्पार्शली एंड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेज एंड फैक्ट्स प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। और जो केस है वो बिल्कुल पक्षपात रहित होना चाहिए, जो भी सबूत इकट्ठे किए गए हैं, जो भी सच है सच्चाई है वो कोर्ट के सामने पेश की जानी चाहिए, तभी इसके आगे कार्रवाई होनी चाहिए। तो बेटा ये आपका चैप्टर था, अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।